हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल हिमांशी व्लॉग्स। सो आज के वीडियो में मेरी जर्नी स्टार्ट होती है ट्रेन से और मैं ट्रैवल कर रही हूँ ग्लासगो से एडिनबरा सिटी। एडिनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड सिटी। ये राजधानी है स्कॉटलैंड की और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और मेरी जर्नी ग्लासगो से करीबन 45 मिनट्स की। एंड वंस यू रीच द ट्रेन स्टेशन ऑफ एडिनबरा यू कैन सी कैसल। Hi guys, welcome once again to my channel Himanshi Vlogs. So finally I am in Edinburgh and I'll show you the beautiful streets and the castles in this city. So I don't want to waste much time speaking a lot. मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड की टॉप फेमस और ब्यूटीफुल कैपिटल्स में से एडिनबरा भी एक ऐसी कैपिटल है क्योंकि उसके खूबसूरत आर्किटेक्चर और हिस्ट्री की वजह से। इसकी ब्यूटी को कैमरे में कैप्चर करना डिफिकल्ट है, इसलिए आई वुड सजेस्ट यू टू विजिट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। हियर यू कैन सी दिस नेटिव इज प्लेइंग बैगपाइप व्हिच गेन्ड इट्स रिकॉग्निशन फ्रॉम ब्रिटिश मिलिट्री। इसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर भी कहा जाता है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे काफ़ी देर तक सुन सकती हूँ। और जितना मैंने देखा है, इसे हैप्पी इवेंट्स पे बजाया जाता है, जैसे कि शादी। Look at these so amazingly beautiful historical buildings. यहाँ की स्ट्रीट्स पर चलते हुए आपको फील होगा कि आप ड्रीम वर्ल्ड में हो, ड्रीम लैंड में हो, और ये एकदम टॉय टाउन जैसा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। क्योंकि ये कैपिटल है और एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो यहाँ की हर स्ट्रीट पर हर रोज़ कुछ ना कुछ अलग चलता ही रहता है, जैसे कि म्यूज़िकल इवेंट्स, टैटू आर्टिस्ट होते हैं और टैरो कार्ड रीडर्स। ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड वाली आंटी ने मुझे पेट फोटो लेने के लिए बोला और मैं भाग गई। और इस मनहूस उल्लू के साथ फोटो कराने के लिए देवर चार्जिंग 10 pounds और लोग करा भी रहे थे। एंड हियर यू कैन सी इल्यूजन वाले मिरर। मैं अंदर नहीं गई बट बाहर ही काफ़ी सारे मिरर्स लगे हुए थे, मैंने थोड़ा सा फन किया। और यहाँ मुझे मौका मिला रूबन सिंह को देखने का, हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर और वो यूके में रहते हैं। ही इज़ द रिचेस्ट इंडियन लिविंग इन यूके एंड ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। यू कैन चेक हिम ऑन इंस्टाग्राम। हियर आई वेलकम ऑल टू द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा। सो दिस आइकॉनिक ओल्ड कॉलेज बिल्डिंग इज़ वेरी मच एट द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हिस्ट्री। ये यूनिवर्सिटी रैंक की जाती है वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ बट ऑल्सो फॉर लॉ एंड साइकोलॉजी एंड इट्स द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इन स्कॉटलैंड। लकी स्टूडेंट्स गेट अ चांस टू स्टडी इन द ओल्डेस्ट एंड एन्चेंटिंग बिल्डिंग्स इन द सिटी। इट्स रैंक 30th इन बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ बट ऑल्सो वेरी टफ टू गेट इनटू। Also, not to forget, Edinburgh is quite an expensive city to live in by UK standards, but not as expensive as London. So guys, from this point you can basically see the entire city from the top and it looks very beautiful, and I'll give you a close up view also. But basically I came here to visit the castle today, but it's closed. The timings are 9:30 to 6 in the evening, so I'm planning to come tomorrow, and if they allow me I'll take the camera inside and show you as well. So for now I'll show you the castle from outside, and it's very beautiful and historical. Check out the complete video of this castle tour, link is in description box. This evening top view of City Art Centre was so beautiful that I have no words to explain. All I can say is this place is all about kings, queens, castles, ancient buildings and history. I love this place. If possible, just give it a visit. And with this, I'll end this video. If you liked the video, please do not forget to hit the like button, share and please subscribe to my channel.